हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन टेक अर्नमेनिया। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलीगन मैट्रिक के बारे में। चूंकि गाइज हमने आपको कल भी बताया था पॉलीगन मैट्रिक के बारे में, तो बिल्कुल हमारा जो एजम्पशन था बिल्कुल यहाँ पे लगभग 90% से 100% के बीच में रहा है, सही एक्यूरेट रहा है। तो गाइज आप लोग हम पूरा एनालिसिस आज फिर से पॉलीगन मैट्रिक को लेकर के बताने वाले हैं, क्योंकि हमारे अधिकतर यूजर्स जो हैं जिन्होंने पॉलीगन में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पहले भी कर रखा है, तो फिलहाल उनको क्या करना है इस बारे में भी बात करेंगे, और कैसे अर्न करना है अभी आपको, किस किस क्वाइन को इन्वेस्ट करके अर्न करना है आपको, रिकवरी करना है, पूरा डिटेल में बताएंगे। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले एक तो खुशखबरी, जो यहाँ पे हमारा BTC है, इसने कल फिर से $34,000 को पार किया था, उसके लिए एक बार फिर से खुशखबरी। और फिर से आज यहाँ पे अपना बिटकॉइन है वो अपना ऊपर जाए, इसके लिए यहाँ पे दुआ है गॉड से कि जल्द से जल्द ये ऊपर पंप करे, और ज़्यादा यहाँ पे एक एब्रप्ट पंप मिले बहुत जल्द इसको, क्योंकि इसको एब्रप्ट पंप मिलना बेहद ज़रूरी है अगर सभी कॉइन को पंप लेना है। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं अभी डच कॉइन भी, देखिए बहुत अच्छा खासा ग्रो कर रहा है गाइज, बहुत अच्छा खासा इसने प्रॉफिट दिया है सबको, मैंने खुद कल आपको दिखाया था अपने वीडियो में। और डच कॉइन पर अब हमने अभी भी इन्वेस्ट कर रखा है, और मैंने मैट्रिक पर भी कर रखा है। तो मैट्रिक की बात करें तो देख सकते गाइज यहाँ पे मैट्रिक थोड़ा बहुत यहाँ पे डाउन गया था, मैट्रिक यहाँ पे 88 तक गया था अभी कुछ देर पहले, लेकिन गाइज यहाँ पे बाई करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था बाई करने का। गाइज यहाँ पे अभी मैट्रिक की बात करें तो कल हमने आपको बताया था कल वाले वीडियो में कि मैटिक क्वाइन है पॉलीगन मैटिक, ये 100 तक जाने वाला है, और मतलब कल के बारे में बताया था कल 100 तक, और देख सकते हैं सही में यहाँ पे जब उसने 98 को टच किया था बिल्कुल सडन, थोड़ा समय के लिए इसने 98 को भी टच किया, तो गाइस उस समय सेल करके आउट हो जाना चाहिए था, क्योंकि इसने अपना जो हाई है कल वन डे हाई इसने कल टच किया और 98 रहा हो, तो बिल्कुल ही अच्छा खासा इसने पंप किया। क्योंकि गाइस यहाँ पे अभी सभी कॉइन देखे तो लगभग अच्छा खासा पंप कर रही है। इथेरियम देखे तो मेरा इथेरियम देख सकते हैं 1,51,000 देख सकते हैं यहाँ पे, और इसकी टारगेट है कि अगर ये 160 तक अगर आज जाती है तो गाइज जो अपना मैटिक है ये बिल्कुल यहाँ पे 110 तक भी जा सकता है, लेकिन गाइज फिलहाल 100 तो इसको जाना ही है शाम तक, मतलब कि आपको शाम तक 100 ये जाते दिख जाएगा। तो गाइज जहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छा खासा मौका है। और गाइज टेलीग्राम पे आप लोग नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़िए, आपको वहाँ पे सभी अपडेट दिए जाते हैं, और टेलीग्राम पे बहुत सारे यहाँ पे अच्छा खासा मान जो इन्वेस्टर हैं उनको सभी अपडेट समय से मिलते रहते हैं कब उन्हें बाई करना चाहिए। कल भी हम पूरी एक्टिव थे कि कब क्या करना चाहिए, हमने बताया था टेलीग्राम पे। तो गाइस यहाँ पे अभी आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखिए तो इसका मार्केट प्राइस अभी यहाँ पे आपको 90.068 अभी ये ग्रो कर रहा है, तो अभी भी आप इसे ले सकते हैं, और इसे 5% 6% थोड़ी ही समय में आप इससे अर्न कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे अभी अपडेट जो आ रही है, यहाँ पे बहुत सारी अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ जो न्यूजेज आ रही है। इवन एलन मस्क कैंट सेव डॉजकॉइन फ्रॉम, ये पहले का अपडेट है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको पता होगा ACC जो है स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे है जो वहाँ पे डिले कर रहा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज जो है वो यहाँ पे डिले कर रहा है, अमेरिका का एक्सचेंज है जो बिटकॉइन को यहाँ पे वहाँ लीगल वाला बात चल रहा था तो उसमें देरी हो रहा है वहाँ पे, तो ये देख सकते हैं बिटकॉइन बाउंस बैक इतना एक्टिविटी सेंसर यहाँ पे डिले, चाइनीज बिटकॉइन माइनस नॉट इवन इन द मोड टू ड्रिंक एनी मोड, यहाँ पे देखिए तो और अच्छी खासी विल रेगुलेशन अडॉप्ट टू क्रिप्टो और क्रिप्टो टू रेगुलेशन, से देख सकते हैं ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या यहाँ पे जो है जो क्रिप्टो को एडॉप्शन किया जाएगा या फिर क्रिप्टो को रेगुलेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी बात चल रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ये देख सकते हैं जो आप लोगों को यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा, ये फिगर कितना खतरनाक है कुछ इस पर कहा नहीं जा सकता, और इसके बारे में बहुत सारी बाद में अपडेट आएगी, तो उसकी सभी अपडेट्स आपको दिए जाएंगे, और कुछ होना हो आपको बहुत अच्छा खासा अपडेट आगे देखने मिले सभी क्रिप्टोकरेंसीज को लेकर के। क्योंकि और एक अभी एलन मस्क का ट्वीट आना बाकी है, अभी एलन मस्क का ट्वीट आने के बाद भी क्रिप्टो में बहुत अच्छा खासा पंप देखने मिलेगा। यहाँ पे देखिए तो 52 US रिप्रेजेंटेटिव्स आर बैकिंग अ बिल स्पॉन्सर्ड बाई, देख सकते हैं रेप जोश जी, डैट वुड गो आफ्टर डोनेशंस इंक्लूडिंग क्रिप्टो डोनेशंस मेड टू हैम्स, देख सकते हैं जो हैम्स में यहाँ पे देख सकते हैं 52 US रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा सपोर्ट किया गया है, जो यहाँ पे बिल जो स्पॉन्सर किया गया था उसे, इसमें डोनेशन वगैरह की बात यहाँ पे की जा रही है। तो देख सकते हैं बिटकॉइन के बारे में भी, बिटकॉइन कितना कल हमने आपको दिखाया था कि एल सल्वाडोर में वहाँ पे UPI की तरफ यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज को बिटकॉइन को यूज किया जा रहा है पेमेंट के रूप में, तो कितनी अच्छी खासी न्यूजेज आ रही है। और देख सकते हैं नाइजीरिया के द्वारा, यहाँ नाइजीरिया का ये अपडेट है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं इन्वेस्टमेंट इतना ईयर एक्सपर्टीज ये क्रिप्टो ब्रेकडाउन,
तो गाइस यहाँ पे अच्छी खासी अपडेट इन्फ्लेशन के दौर में भी आ रही है। तो गाइस ये तो अभी इन्फ्लेशन का दौर है, इस मार्केट अभी आगे कितना यहाँ पे बेयरिंग बुलिंग जाने वाला है अभी आप लोग एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। बहुत अच्छा खासा बुल आगे जा सकता है मार्केट, बहुत अच्छे खासा अपॉर्चुनिटी आगे आने वाली है। तो गाइस आपको क्या लगता है, आपने विचार ज़रूर अपना रखें। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे माइकल सेलर के द्वारा, यहाँ पे आपको क्या कहा गया, एक अपडेट यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। पेपाल वीज़ा लीड $300 मिलियन इन्वेस्टमेंट इन ब्लॉकचेन कैपिटल। तो देख सकते हैं पेपाल, आपको पता होगा पेपाल एलन मस्क की कंपनी पहले रह चुकी है, वीज़ा है, ये सब मिलकर और कुछ इन्वेस्टर है ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द कंपनी स्ट्रेटजी पार्टनरशिप प्रोग्राम में, जिसमें कि देख सकते हैं $300 मिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है ब्लॉकचेन कैपिटल में किया जा रहा है। तो ये सब देख सकते हैं, ये सब अपडेट्स है। यहाँ पे देखिए तो CNBC का भी अपडेट आया था इस पे बिटकॉइन को लेकर के, बिटकॉइन सर्ज एज मच एज 18% आफ्टर द वाइल्ड डे डैट सॉ क्रिप्टोकरेंसी ब्रीफ। देख सकते हैं जो यहाँ पे इतना कि नीचे चला गया था उसके बाद मार्केट इसका पंप किया। बिटकॉइन सेंक बिलो द की $30,000 थ्रेशोल्ड थ्यूजन पॉइंट ब्रीफिंग राइजिंग। देख सकते हैं तो यहाँ पे फिर से भी गेन किया गया, यहाँ पे बताया जा रहा है $34 यहाँ पे देख सकते हैं 18% पॉजिटिव ट्रेड करने के बाद ये पहुँचा। तो गाइस यहाँ पे कुछ कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी और कुछ अच्छा खासा जाने वाला है, और आप लोग यहाँ पे समझिए इसकी मार्केट कैपेसिटी वगैरह सभी चीज़ यहाँ पे दिया गया, आप लोग इसमें चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो गाइस अभी आपको क्या करना चाहिए, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टर हैज़ ऑल्सो बिकम मोर कंसर्न अबाउट बिटकॉइन एनवायरमेंटल इंपैक्ट आफ्टर टेस्ला CEO एलन मस्क डिसाइडेड टू स्टॉप एक्सेप्टिंग बिटकॉइन। तो गाइस अभी जो फाइनल एक्सेप्टेंस है, अगर एलन मस्क फिर से एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं जैसे ही, तो गाइस इसका मार्केट बहुत अच्छा खासा पंप करेगा। तो और फिलहाल इन्होंने पहले भी सिग्नल दिया है कि हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, और साथ ही जो विटालिक ब्यूटेरिन है और जो यहाँ पे इथेरियम के को फाउंडर है वो खुद यहाँ पे डच कॉइन को भी प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। तो गाइस अभी बहुत अच्छा खासा आगे मार्केट फिर से पंप मिलेगा जिन्होंने भी 120, 125, 130 में खरीद रखा है, जो अभी तक होल्ड करके रखे हैं पॉलीगन मेटी को, वो डरे नहीं, उनको आगे प्रॉफिट होगा और अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। और गाइस अभी अभी आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके आप लोग को अर्न करते रहना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा खासा मौका है। अभी भी यहाँ पे जैसे कि 180 के करीब में देख सकते हैं, 87 करीब में यहाँ पे मार्केट सबसे डाउन गया था, यहाँ पर आप खरीद करके अभी अर्न कर सकते थे, कुछ 2-4-5% बुक कर सकते थे। साथ ही अभी इसका मार्केट डाउन जाता है अगर, तो गाइस आप पे लोग बिल्कुल यहाँ पे सपोज इसका प्राइस अगर 86-85 के करीब में आता है तो आप इसे ज़रूर बाई कीजिए। और बाई करने के बाद आपको क्या करना है, तो आपका प्राइस 93 क्रॉस करता है तो आप इसे सेल कर सकते हैं, या फिर आप उस समय का इंतजार कर सकते हैं जब इसका प्राइस सबसे यहाँ पे 1 डे हाई जाए। और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आज फिर से ये 100 टच करेगा, लेकिन इसके लिए यहाँ पे आपको बात बारीकी से मार्केट में नज़र रखना होगा। और इसका मार्केट जैसे ही 100 जाता है तो कल देख सकते हैं, कल इसका 1 डे हाइस्ट 98 रहा है, तो गाइस यहाँ पे ये मार्केट जाएगा इसका भी, लेकिन वही थोड़े समय के लिए ही जाएगा। तो गाइस यहाँ पे उस समय आपको बेचना होगा, बेच करके आपको फिर से प्रॉफिट बुक करना होगा। तो इन सभी के लिए आप लोग चैनल से जुड़िए, आपको सभी अपडेट आपको समय से दिए जाएंगे, वहाँ बताया जाता है कि आपको कब सेल करना है, कब बाई करना है, और टेलीग्राम पे भी जुड़िए, वहाँ पे भी सभी अपडेट दिए जाते हैं। तो गाइस आज इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।